जब थोड़ा सा गैप आ जाता है वीडियो बनाते हुए बनाते बनाते तो बंदा भूल जाता है बातें मैं कैसे कर रहा था। एनीवे, अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ हेयर ट्रांसप्लांट के कुछ फैक्ट्स शेयर करना चाहता हूँ जो कि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होते हैं या फिर नहीं बताए जाते या खुद नहीं पता होते, मतलब बताया नहीं जाते का जब आप पूछोगे नहीं, आपको पता नहीं होगा तो आपको खुद से बताएंगे नहीं, और वो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और वो मुझे इसलिए पता है कि मैंने भाई 3 मरतबा हेयर ट्रांसप्लांट किया हुआ है। अभी आप जो मेरे सर पे बाल देख रहे हो, बाय द वे मैंने बाल काट दिए, और लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा तब मैंने बताया था आप लोग को मैं बाल काटूंगा, काफ़ी लंबे लंबे बाल थे तो वो मैंने काट दिए। अभी आप देख रहे हो तो मेरे सर पे जो आप बाल देख रहे हो ये मेरे अपने नेचुरल बाल नहीं है। आप लोगों को पता है, जिनको नहीं पता, मैंने 3 मरतबा हेयर ट्रांसप्लांट किया हुआ है, पहले पाकिस्तान में, फिर लास्ट टाइम मैंने तुर्की में, 1 साल 1 महीना हो गया, मैंने 13 महीने पहले तुर्की में हेयर ट्रांसप्लांट किया, और अभी आप जो रिज़ल्ट देख रहे हो तो यही सारा है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक दो ऐसी चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ जो कि आप लोगों को पता नहीं होगा, मैं कुछ फैक्ट हैं, कुछ सच्चाई है। सबसे पहले सच्चाई जो है हेयर ट्रांसप्लांट की, वो ये कि भाई हेयर ट्रांसप्लांट एक सच्ची चीज़ है, इट्स ट्रू, मतलब काम करता है हेयर ट्रांसप्लांट, बाल आते हैं। और ये बताने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि अभी भी लोगों को मतलब लगता है कि हेयर ट्रांसप्लांट से शायद बाल नहीं आते, या फिर ये मतलब कुछ धोखा है, गड़बड़ है। जिस तरह मतलब क्या होता है कि जब इंसान गंजा होता है और बाल गिरते हैं, वो इतने टोट के बंदा आजमाता है ना कि कभी आपको कोई बोलेगा ये दवाई इस्तेमाल करो, कोई बोलेगा ये तेल इस्तेमाल करो, ये शैम्पू इस्तेमाल करो, आपके बाल आएंगे बाल आएंगे। और ऑफकोर्स बाल नहीं आते शैम्पू यूज़ करने के बाद भी, तेल कर हर चीज़, हर नुस्खा, हर टोटका यूज़ करने के बाद भी जब आपके बाल नहीं आते, फिर आपको लोग बोलते कि यार हेयर ट्रांसप्लांट करो, तो आपका मतलब वो दोबारा बाल आने की वो उम्मीद तकरीबन ख़त्म हो चुकी होती है। तो आपको फिर हेयर ट्रांसप्लांट भी बहुत से लोगों को मतलब इस तरह लगता है कि यार ये भी पता नहीं काम करेगा नहीं, मतलब जब आप कंटिन्यूसली अपने आप को 2, 3 साल, 4 साल, 5 साल अपने आप गंजे देखते रहते हो ना, और आपका एक इमेज बन जाता है एज ए गंजा, तो आपके दिल से वो ख़त्म हो जाता है कि यार ये जो उजड़ा चमन है, ये इस पर भी कभी दोबारा बाल आ सकते हैं, वो कंप्लीट ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहले फैक्ट तो ये कि भाई हेयर ट्रांसप्लांट एक सच्ची चीज़ है, बाल उससे आ सकते हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप लोगों के सामने बैठा हुआ है, ये मेरे हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। दूसरा जो फैक्ट है हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में वो ये कि हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपेंसिव है, महंगा है। मतलब नॉर्मल ये शैम्पू, और आप शैम्पू या फिर आपको कोई टोटका या फिर कोई वजीफा बताता है तो 1000 में, 5000 में, 10000 में, ये इस तरह नहीं है। इसका मतलब मिनिमम जो प्राइस है, अगर आप पाकिस्तान और इंडिया को भी काउंट करें, और बिल्कुल मतलब अनएक्सपीरियंस बिगिनर जो डॉक्टर होते हैं ना, अगर उसको भी काउंट करें ना, तो उसकी प्राइस भी तकरीबन 50-60 हज़ार से स्टार्टिंग प्राइस होगी। तो ये है, तो फिर बहुत सारे लोग के रेंज से तकरीबन बाहर हो जाता है। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ और सजेस्ट करता हूँ कि बिल्कुल अनएक्सपीरियंस और सस्ते के पीछे इस चीज़ में मत जाओ हेयर ट्रांसप्लांट के मामले में, क्योंकि वो मैं तो कम अज़ कम ये रिस्क नहीं लूँगा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक अच्छा डॉक्टर है वो मुझे 1 लाख बोल रहा है और दूसरा मुझे बोल रहा है आके मैं तो आपको 30 हज़ार में कर रहा हूँ, तो मैं तो कभी भी मतलब ये रिस्क नहीं लूँ कि इसके पास जाओ और अपना एक्सपीरियंस अपने हाथ मेरे सर पे सीधा करे, क्योंकि भाई ये एक रिस्की और बहुत मेजर सर्जरी है, तो इसको इतना इजी, इतना अलाइट नहीं लेना चाहिए कि किसी को भी आप अपना सर सामने प्लेट में रख दो कि भाई इसमें काम कर, पे इसमें कुछ गंदम, कोई कैद तो थोड़ी ना है, आपका सर है उसमें बाल लगा रहा है, तो ये एक मेजर सर्जरी है, और अगर आप अच्छी जगह से करोगे तो अभी भी ये एक्सपेंसिव है। ये एक फैक्ट है, शायद आप ये फैक्ट बताने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि आप पाकिस्तान की मार्केट्स में जब आप पेशावर में, लाहौर में, कराची में देखोगे ना, जगह जगह पे लिखा होगा कि आ जाओ बाल उगाओ, और हेयर ट्रांसप्लांट के भी बहुत सारे बैनर्स लगे होते हैं, जिस तरह पीर फकीर और बाबाओं के लगे होते हैं ना, इस तरह ये इसके भी लगे होते, तो वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि हेयर ट्रांसप्लांट अभी भी 2023 में भी एक्सपेंसिव है, हर किसी के हाँ उसमें रेंज में नहीं है। तीसरा जो इफेक्ट है हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, और ये मैं गारंटी से बोलता हूँ, आप में से बहुत से दोस्तों को ये बात पता नहीं होगी, मेरे अगर वीडियो देखते होंगे तो फिर पता चल गया होगा, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ये बात पता नहीं होगी, और वो फैक्ट ये है कि भाई एक हेयर ट्रांसप्लांट आपके लिए काफ़ी नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों के लिए एक हेयर ट्रांसप्लांट काफ़ी नहीं होता। जो लोग हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं वो गंजे हो चुके होते हैं, मतलब कम्प्लीटली अच्छे खासे गंजे हो चुके होते हैं, मतलब जिनके वो तोड़े तोड़े बाल यहाँ से गिर रहे होते हैं, तो वो लोग हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करते। वो बोलेंगे हम क्यों 50 हज़ार हो 1 लाख लगाए,
बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ के लिए भी करेंगे, उनका उनके लिए एक हेयर ट्रांसप्लांट काफ़ी है, जिनका हल्के बाल गिरे हो। लेकिन अगर आप कम्प्लीटली गंजे हो, कम्प्लीटली मैदान खाली है, 75% 50%, एक हेयर ट्रांसप्लांट आपके लिए काफ़ी नहीं है। अगर आपको कोई डॉक्टर भी बोले कि भाई आपके इतने ग्राफ्ट लगा दूंगा, 20,000 ग्राफ्ट लगा दूंगा, 10,000 ग्राफ्ट लगा दूंगा, नहीं लगा सकता, वो झूठ बोल रहा है, एक हेयर ट्रांसप्लांट काफ़ी है नहीं है। एक हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपका जो रिज़ल्ट आएगा, आपका वो गंजापन तो चुप जाएगा, लेकिन जो रिज़ल्ट आप एक्सपेक्ट करते हो ना, जो आप अपने आप को ख्वाबों में देखते हो और इमेजिन करते हो, तस्वीर में लाते हो कि बड़े बड़े जुल्फे होंगे, ये होगा वो होगा, वो भूल जाओ, वो एक हेयर ट्रांसप्लांट क्या दो हेयर ट्रांसप्लांट के साथ भी नहीं आएगा। हेयर ट्रांसप्लांट जो है आपका गंजापन कवर कर लेगा, आपको कोई गंजा नहीं बोलेगा, आप मतलब दोबारा उस सफ में आ जाओगे, बालों वाले लोग साथ खड़े हो जाओगे और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लेकिन वो वाले जुल्फे नहीं आएंगे जो कम्प्लीटली आपके पे लेते हैं। ये मैंने बहुत बार ये बात मैंने बोली है आप लोगों को कि बंदा ये एक्सपेक्ट करता है कि यार ऐसे बाल आएंगे कम्प्लीटली, लेकिन एग्जैक्टली इस तरह नहीं होता। मैंने 3 हेयर ट्रांसप्लांट किए, अल्हम्दुलिल्लाह अब ज़बरदस्त बाल है, आप देख सकते हो, कोई खाली जगह नहीं, मैं बिल्कुल अभी कम्प्लीटली मुतमईन हूँ मैं इससे। और मैं इवन आप लोगों ने मेरे बाल देख, काफ़ी बड़े बड़े बाल, लंबे लंबे बाल जोड़े, लेकिन ये फिर भी उस तरह नहीं है जिस तरह मतलब 2015 और 14 में मेरे बाल थे, वो जो नेचुरल बाल थे ये वो नहीं है, वो तो पता नहीं कितने लाखों ग्राफ्ट थे। अभी ये अगर 3 हेयर ट्रांसप्लांट किए, और बाय द वे एक ट्रांसप्लांट में मुझे डॉक्टर ने बताया था तुर्की में कि 4-5,000 से ग्राफ्ट ज़्यादा लगा ही नहीं सकते, मतलब वो पॉसिबल ही नहीं कि आपके सर में 4,000 से ज़्यादा ग्राफ्ट लगाए, मैक्सिमम मतलब 4,000 से 5,000 के दरमियान में ये लगा सकते, इतनी जगह ही नहीं होती। तो क्या फिर रिकमेंड करते हैं कि आप एक ट्रांसप्लांट करो, 1-2 साल के बाद फिर दोबारा दूसरी बार तब आ जाओ, फिर दूसरी मरतबा ट्रांसप्लांट करेंगे, तीसरी बार करेंगे, इस तरह करते करते जितनी बार भी तुम करो वो कर सकते, जब तक आपके डोनर एरिया में बाल होंगे वो करा सकते हैं आपके लिए। इस तरह दो तीन बार जब बंदा हेयर ट्रांसप्लांट करते तो अच्छे खासे जुल्फे आ जाते हैं ज़बरदस्त। लेकिन एक ट्रांसप्लांट अगर आप सोचते हो कि एक ट्रांसप्लांट करोगे और आपके ज़बरदस्त बाल आ जाएंगे और आप अच्छे खासे ऑलरेडी गंजे भी हो, तो कम अज़ कम ये अपने माइंड से निकाल दो, इतने ज़बरदस्त बाल ने, इतने मतलब कम्प्लीट सर भरने का नहीं, अच्छा खासा रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन बिल्कुल कम्प्लीटली आप जुल्फ इतने नहीं होंगे जिनके बारे में आप सोच रहे थे। ये बस एक माइंड में रख लो, ये एक मेरा आप लोगों के साथ एक ऑनेस्ट वो है, बट ये मतलब ये उन लोगों के लिए है जो कम्प्लीटली 75% की, कोई कोई बहुत कम्प्लीटली गंजा होता है ना। अब मेरा एग्जाम्पल ले लो, मैं उस तरह गंजा नहीं था, मेरा अच्छा खासा रिजल्ट है, लेकिन मैं जब फर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांट किया था 2018 में, मैं उस तरह गंजा नहीं था। ये आप लोग फोटोज़ देख रहे हो, मैं कुछ इस तरह था, मतलब मेरा यहाँ तक मैं पहुँचा नहीं था, यहाँ से ऑलरेडी मैं गंजा हो चुका था, लेकिन यहाँ तक इस तरह डायरेक्ट नहीं पहुँचा था। तो मैंने हेयर ट्रांसप्लांट किया, मेरा अच्छा खासा रिजल्ट आया, लेकिन फिर क्या हुआ कि जो नेचुरल बाल ऑलरेडी मेरे गिर रहे थे वो कंटिन्यू थे, वो गिर रहे थे, तो वो ट्रांसप्लांट वाले बाल रह गए और दरमियान से वो नेचुरल बाल निकल गए। तो फिर दोबारा मैंने हेयर ट्रांसप्लांट किया, फिर दरमियान में जो खाली जगह खाली हो गई थी उसमें मैंने बाल लगाए, लेकिन फिर भी वो नेचुरल जो थोड़े बहुत बचे कुछ थे वो गिर रहे थे, फिर जगह खाली हो गई, फिर तीसरी बार तो मैंने किया, तो अभी तकरीबन मेरे ऑलमोस्ट सारे नेचुरल बाल गिर चुके हैं यहाँ से अभी, और अभी वो आहिस्ता आहिस्ता 3 ट्रांसप्लांट्स ने वो सारा कवर कर दिया। अभी अगर मैं इस टाइम तक वेट करता और मैं अभी एक ट्रांसप्लांट करता तो मेरा भी वो कवर नहीं होता। तो ये सीन, ये एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई 75% या 80% या तकरीबन इस तरह सारा यहाँ तक ऊपर का परे तक, ऊपर ये क्या बोलते हैं, क्राउन एरिया तक तकरीबन गंजा हो चुका हूँ, ऐसे जाके पूरा पिच खाली हो चुका हो, तो वो एक हेयर ट्रांसप्लांट से नहीं होगा। एक चीज़ और भी मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ कि ये भी एक सच्चाई है कि हेयर ट्रांसप्लांट से कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। जो कॉन्फिडेंस आपका गंजेपन से बिल्कुल डाउन हो चुका है और एक लो कॉन्फिडेंस हो कम्प्लीटली, वो सारा, ये भी एक सच्चाई है। बहुत से लोग आपको ये बोलेंगे कि यार नहीं, इस तरह कुछ नहीं होता, कॉन्फिडेंस दिल में होता है, ये होता है, होगा किसी के होंगे, बगैर वालों के भी किसी कॉन्फिडेंस होंगे, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि मेजॉरिटी जो है इंक्लूडिंग मी, आप लो फील करोगे, आप अपने आप को जब गंजा देखोगे तो यार ये बाल जो नहीं, अल्लाह ने खूबसूरती इंसान को दी हुई है, और बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो कि दे डोंट केयर कि मतलब बंद गंजा हो, जो भी हो वो हो, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन बहुत से लोग परवाह करते हैं। तो ये भी एक सच्चाई है कि हेयर ट्रांसप्लांट से आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो बूस्ट होगा, आप हर चीज़ पे बिल्कुल इस तरह चढ़ के दौड़ोगे कि हाँ क्या बात है बोलो ये तो मतलब वैसे वाली बात होगी, लेकिन कॉन्फिडेंस सच में बूस्ट होता है।
ये भी है, तो ट्रांसप्लांट करो बट सारे इफेक्ट्स माइंड में रख के करो इंशाल्लाह। आप फर्स्ट एक करो, एक से स्टार्ट करो, दो तीन साल के बाद दूसरा भी करो, फिर तीसरा भी करो, चौथा, जब तक डोनर में जान है तब तक सारा जहान है। करते रहो करते रहो करते रहो ट्रांसप्लांट करते रहो। तो दैट्स इट। और बाकी ट्रांसप्लांट के जितने भी कॉमन क्वेश्चंस हैं वो सारे ऑलरेडी मैं आंसर कर चुका हूँ, जाके मेरे सारे वीडियोस देख लो आप। अब भी अगर कोई क्वेश्चन है तो बेशक कमेंट्स में करो, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँ कि आंसर करूँ। अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट करनी है तुर्की से तो जहाँ से मैंने किया, अगर आप लोगों को वहाँ से करना है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स दिए हुए हैं, आप डायरेक्ट उनको व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो, कोटेशन वगैरह ले सकते हो, अपना सर के फोटोज दिखा सकते हो। बाय द वे उनके वेबसाइट पे बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है, मतलब आप जब कंटिन्यू करते हैं, अपना नाम वगैरह एंटर करते हैं तो आपके सर के डिफरेंट एरिया के वो आपसे फोटोज मांगते हैं, तो आप सारे फोटोज़ वगैरह ऐड कर दो, उनको बता दो, उस हिसाब से वो आपको बता देंगे कि आपके सर पे कितना खर्चा आएगा और क्या क्या सीन है, क्या पैकेजेस है, क्या ऑफर्स है, क्या डील्स है, सब कुछ वो आप लोगों को बता देंगे। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मुझे अपने दुआ में याद रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।